अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मकतब कुव्वतुल इस्लाम चैनल में आप हज़रात का इस्तकबाल है। इससे पहले आप हज़रात ने तख्ती नंबर 24 पढ़ी थी, अब हमारी तख्ती नंबर 25 है। रस्मुल खत, रस्म के माने आते तरीके के, और खत के माने आते लिखना। तो फिर क्या हुआ, रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका। कुरान पाक में बहुत सी जगह अलीफ वाव या लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इनको क्या कहते हैं, हुरूफ़े ज़ायदा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हुरूफ़े ज़ायदा। तो ये कुरान पाक में लिखे तो जाएंगे लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे। तो ये तीन हुरूफ को हुरूफ़े ज़ायदा कहते हैं। क्या कहते हैं, हुरूफ़े ज़ायदा। और इसका आसान तरीका ये भी है याद रखने का, हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा भी अगर आपने समझ जाएंगे तो ये याद रहेंगे। ये तीन ही है, अलीफ वाव या। आयतों के दरमियान में, आयतों के आखिर में लिखे जाएंगे मगर पढ़े नहीं जाएंगे। ठीक है, इस तरह जो आप जुमले पढ़ेंगे आपके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रस्मुल खत यानी कुरान पाक में बहुत सी जगह अलीफ वाव या लिखे हुए हैं मगर इनको क्या कहते हैं। जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये लिखने का तरीका है, जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये लिखने का तरीका है और ये पढ़ने का तरीका है। और ये पारा नंबर 4 में है, ठीक है, और रुकू नंबर 6 है, पारा नंबर 17, रुकू नंबर 3 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना पैराग्राफ, ठीक है ना। अब पढ़िए,
मिन नबाई नंबर 9 और रुकू नंबर 3 और 5 जगह और लिखा हुआ है कुरान में, ठीक है। ये मल
ठीक है। ए अब मैं ना दूसरे भी कायदे पूछता हूं आपसे, ठीक है, आपने जवाब देना। यहाँ पे नून साकिन का कौन सा कायदा है? इदगाम माल गुन्ना, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून के छह रूप में से यूमिन का मीम दूसरे कलीमे में है, तो तन्वीन और नून साकिन की आवाज को गुन्ना के साथ मिलाकर कर देंगे। चलो एक और कायदा पूछता हूँ आपसे, ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम कैसा होगा? माशाल्लाह। एक और कायदा पूछता, तुमको मत का पूछूंगा, इसमें कौन सा मत हो रहा? तो हमने जितने भी दूसरे कवायद पढ़े हैं, तख्ती नंबर एक से लेकर तख्ती नंबर 25 तक, हमको सारी के सारे कवायद के साथ इसको पढ़ना है, ठीक है, इस तरह आपको याद करके लाना है।